हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप? इस समय बता रहे कितना टाइम हो रहा है? देखो रात के 8:15 हो रहे हैं। हाँ, रात के 8:15 हो रहे हैं इस समय। और अभी बाद में ठीक है। और अभी मैं चावल बनाने वाली हूँ, इसमें तड़का लगाती हूँ अभी कुकर में, और ब्राउन राइस बनाऊंगी आज। कल मंगवाए थे ब्राउन राइस, और ये देखिए दाल बनाई मैंने, ये वाली आलू नहीं, चने की दाल और घिया, दाल घिया बनाया। ये देखिए अभी टेस्ट नहीं करके देखा, देखना आटे कैसा बना है। ये मैंने ग्रीन वाली जो हरी मूंगी होती है ना साबुत, ये मैंने दोपहर को भिगो रखी थी, तो अब मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, इसको धो के इसमें ट्रांसफ़र कर दिया ठीक है। और इसके बाद ये जो है ये काली मिर्च है, पीसनी है, कल निकाल के नीचे ड्रम से इसमें भरी थी मैंने। ये धनिया है साबुत वाला, इसको भी पीसना है अभी, दो काम करने हैं। और ये पड़ा है मेरा ये, और क्या करना है इसमें, चटनी भी पीसनी है। कल चटनी पीसनी थी वो नहीं पीसी मैंने, आज पीसूंगी, क्योंकि दाल खिया के साथ चटनी अच्छी भी लगेगी, तो इसलिए मैं बनाऊंगी अभी। पहले सबसे पहले तो मैं बना रही हूँ ब्राउन राइस, उसके लिए मैं सोच रही हूँ उसका प्याज का तड़का लगा लेती हूँ, तो वही मैं प्याज ही काटने लगी थी। हेलो व्यूअर, आज है 30 सितंबर, कल से 1 अक्टूबर स्टार्ट, पूरा सितंबर खत्म। कल थी 29, कल मैंने वीडियो नहीं बनाई, पता नहीं मेरा मन ही नहीं कर रहा था बनाने का, तो मैंने नहीं बनाई वीडियो कल। तो कल थोड़ा सा अपसेट सी थी, पता नहीं क्यों, छोटी सी बात पे ही हो जाती है ठीक है। और उसके तो मैंने कल क्या किया अपना मूड टेक करने के लिए, कल दो मूवी देखी, दो मूवी थी, एक तो मैंने देखी शाम को और एक देखी रात को सोने से पहले ठीक है। दो मूवी एक ही दिन में देख ली, बच्चे कहते हैं वाह मम्मी दो मूवी एक ही दिन में देख, मैंने कहा ठीक है देख ली। कभी कभी ना हमें ब्रेक भी मिलना चाहिए, क्या होता है ना रोज़ घर के कामों से रोज़ एक जैसी बोरिंग सी रूटीन, तो ब्रेक नहीं मिलता, तो इसे बहाने मेरे को ब्रेक मिल गया। एक ही दिन में दो मूवी देख ली, पहली मूवी का नाम था प्यार तो होना ही था, और दूसरी थी ये रास्ते हैं प्यार के, दोनों ही अच्छी थी, दोनों ही अजय देवगन की थी। और उसमें पहली वाली मूवी में ये रास्ते हैं प्यार के, उसमें प्रीति जिंटा और मीनाक्षी सिन्हा, नहीं प्रीति जिंटा और वो पता नहीं कौन सी हीरोइन है, मैं भूल गई, नाम भूल गया मेरे को, और अजय देवगन था दूसरी वाली में। हाँ, दूसरी वाली में अजय देवगन का काजोल थी। तो दोनों मूवी अच्छी थी, दोनों मूवी देखी मैंने। अभी गंदी आदत है, एक बार मूवी देखने की आदत पड़ जाए ना इंसान, फिर रोज ही सोचता है एक मूवी देखूँ। पहले मैं देखने लग गई थी, बीच में मेरे को ना ये जब चैनल अपना नहीं खोला था, उससे पहले मुझे मतलब कभी कभी मैं मूवी देख, पंजाबी मूवी देखने की आदत पड़ गई थी उसके, मतलब कभी कभी देख लेती थी हफ्ते में 2-3 बारी, और कभी क्राइम पेट्रोल देखने की बड़ी आदत पड़ गई थी। अब जब अपना जन्म बनाया तो सारा दिमाग उधर ही खर्च करना पड़ता है ना, ढूंढना पड़ता है क्या बनाना है, आज क्या करना है, प्लान करना पड़ता है, तो फिर सारा दिमाग फिर उधर से मतलब डाइवर्ट हो गया और अपने चैनल पे आ गया। और कल मेरे को पता नहीं, बिल्कुल मन ही नहीं करा कि वीडियो बनाऊं, तो मैंने बिल्कुल नहीं बनाई वीडियो और दो मूवी देख ली आराम से। पर आज मैंने सुबह से मेरे को लग रहा है कल वीडियो नहीं बनाई, आज तो बना लूं, तो ये सोच के फिर मैंने कहा चलो बना लेती। ये दाल का मैं टेस्ट कर रही थी, दाल बहुत गाढ़ी है, इसको थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा और थोड़ा सा नमक डालना पड़ेगा। मिर्च डाली तो तूफान खड़ा हो जाएगा, इसलिए मिर्च तो मैं डालूंगी नहीं, जिसको डालनी अपने में डाल ले, वैसे मैंने थोड़ी सी डाली है थोड़ी सी ठीक है। वैसे दाल बहुत टेस्टी बनी है, और बस अब मैं प्याज काटने लगी हूँ। मैं सोच रही हूँ जो ब्राउन राइस बनाने है ना, उसके लिए थोड़ा सा मैं प्याज का तड़का लगा लेती हूँ, जीरा डाल के मतलब बना लेती हूँ। तो ब्राउन राइस जो है दोपहर, वो भी मैंने एक दो घंटे हो गए भिगो रखे हैं मैंने। मैंने कहा वो ब्राउन राइस है वो हार्ड होते हैं बड़े, वो मंगवाए इस बार मैंने 80 रुपये किलो, अपने चावल आए थे चावलों के साथ ही उसको भी मंगवा लिया, नहीं आटा मंगवाया था कल, आटा मंगवाया था तो उसी के साथ मतलब ब्राउन राइस भी मंगवा लिए थे। और आज कल गैस बुक करी थी तो आज आ भी गई गैस, तो गैस भी ले ली है। और बस अभी जो हाँ, आज हस्बैंड गए थे दवाई लेने के लिए ऑफिस के डिस्पेंसरी में, तो वहाँ से ले आए, पर मैंने ना उनको सामान लिख के दिया था काफ़ी सारा, पर वो क्या करा ऑफिस के सामने उनके वो उधर जो सरकारी दुकान है वहाँ से डाले तो ले आए हैं, 6 डाले लाए हैं मैंने, चेक कर लिए। और मुझे चाहिए थी वर्मासिली बहुत ज़रूरी, तो मैंने सोचा वर्मासिली लाएंगे तो मैं कुछ नया बनाऊंगी, वर्मासिली लाए नहीं, पूरा सामान चेक कर लिया, डाले ले आए हैं। कोटला गए थे, कह रहे भीड़ बहुत थी, मैं तो भीड़ देख के वापस आ गया, मैं कहा चल कोई बात नहीं, अपनी सेहत का ख्याल तो रखना ही चाहिए ना, ज़रूरी थोड़ी इतनी भीड़ वाली जगह में जाना कुछ हो जाए तो चलो ठीक है। अब मैंने उनको भेजा वर्मासिली लेने, अभी नीचे गए हैं, चाय पानी पिला दिया है, आराम कर रहे थे बैठे, बच्चों को बोला मैंने जाने के लिए कि छोटी वाली को बोला, वो कह रही मेरे को मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, फीवर लग रहा है थोड़ा थोड़ा, मैं उसे कह भी रही हूँ एक दो दिन से थोड़ा सा तो को लग रहा था दवाई खा ले,
तो वो सुनती ही नहीं है ना, दवाई खाती नहीं, बच्चे थोड़े ना, वो सोती भी रात को कम है, कुछ उस वजह से टेढ़ा मेढ़ा काम हो गया उसका। पर अभी दोपहर को 4 घंटे सो गई है। मैंने फिर सोने दिया, मैंने कहा ये सोती कम है ना, अब सोई है तो क्या होता है ना, दिमाग का भी प्रॉब्लम ही है। मतलब एक कई बार नींद आ रही होती है, इंसान नहीं सोता, नहीं सोता तो होता क्या है कि बाद में वो सोचता है कि बाद में सो जाऊंगा, पर बाद में भी नींद ही नहीं आती, ये बड़ी प्रॉब्लम है। चलो प्याज ही काट रही हूँ मैं तो, एक मिनट मेरा काम खराब ना हो जाए। चलो मैं पहले प्याज काट के तड़का लगा लूँ, फिर मिलती हूँ। चावलों को तड़का लगा दिया है, ये दाल इधर रखी है, इसमें ना थोड़ा पानी डाला है मैंने, नमक और गरम मसाला डाला है। अभी मैं सोची हरा धनिया भी काट के डाल देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दाल बहुत गाढ़ी थी और चावलों के साथ खानी थी। चावल अब मैंने एक ही गिलास बनाए हैं, पानी ज़्यादा डाला है, क्योंकि एक गिलास चावल में 2 गिलास पानी डालते, पर ये है वो वाले मोटे वाले चावल हैं, मतलब ये जो है दूसरे वाले चावल हैं, तो इसमें मैंने 2.5 गिलास पानी डाला, ठीक है। वैसे भिगो रखे थे दोपहर के, वही पानी यूज़ कर लिया। तो चलो अब मैं जो है ना, ये हाँ ये क्या कर रही हूँ, मैं काली मिर्च पीस रही हूँ, काली मिर्च पीस, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चाहिए होती है मुझे, कोई चाय में भी डालते हैं ना तो वो डिब्बी खाली हो गई है, धो के रख दी है पर खाली पड़ी है। अब जल्दी से मैं पीस गई मेरी काली मिर्च, मैंने इस डिब्बी में भी डाल ली है, ये देखिए व्यूअर्स फोटो डल गया। अब पीसते हैं धनिया, ठीक है, धनिया को भी उसके डिब्बी में डाला जाएगा, मैं धनिया पीस के लाती हूँ 2 मिनट के अंदर, ठीक है। धनिया भी पीस गया, आज ये 2 काम मैंने कर लिए, पता है पेंडिंग पड़े वैसे बहुत टाइम, सोचा था करूँगी, और अभी मैंने वर्मा से ली मंगाई है इनसे, वैसे मैं 20 रुपये वाला पैकेट मंगा रही थी, वो नहीं मिला, फिर ये लेकर आए हैं 55 रुपये का, पता नहीं कितने ग्राम है, 400 ग्राम, ये 400 ग्राम 55 रुपये का है, ये रोस्टेड ही है, हाँ रोस्टेड है, ऐसे रोस्ट नहीं करना पड़ेगा, इससे मुझे कुछ बनाना था तो मैंने इसे कह के मंगवाया। अब देखो बनाती हूँ कि नहीं, इधर मेरे चावल बन रहे हैं, इधर दाल गर्म हो रही है, देखते हैं। अभी मुझे हाँ चटनी बनानी है, अभी इसके बाद चटनी का काम कर लेती हूँ जल्दी से पहले, ठीक है, और खाना वाना सबको देने के बाद फिर मैं वो कोई स्वीट डिश बनानी है तो बनाऊँगी, नहीं तो कल बना लूँगी, सामान तो आ ही गया। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर। व्यूअर्स मेरा सामान तैयार हो गया है, देखिए मैंने क्या क्या डाला है इसमें, अदरक लहसुन प्याज 3 हरी बड़ी मिर्चें और धनिया डाला है और अम्बे डाले हैं, बस यही सब कुछ डाला है। और मैं अब जा रही हूँ मिक्सी में चलाने के लिए, और उसके बाद फिर हम खाएंगे खाना और फिर मिलते हैं उसके बाद। ब्राउन राइस तैयार हैं मेरे, उसको मैंने थोड़ा सीटियाँ ज़्यादा दिलवा दी थी आज, मतलब एक सीटी के बाद गैस लो कर दी थी, सही से पक गए लगते हैं, इसी का डर था कि थोड़ा कच्चापन में रह जाए। तो ये तो मेरे तैयार हैं, इधर मेरी दाल तैयार है, इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया था बहुत सारा, ये देखिए दाल भी मेरी रेडी है और चटनी भी रेडी है, सब कुछ रेडी है, बस खाने डालना ये रही चटनी। चटनी खा के देखिए बहुत टेस्टी है, तो अब चलो हम खाना सर्व कर देती हूँ सबको, और मैं मिलती हूँ कल आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।